हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सौरभ और आज की इस वीडियो में हम क्लास टेंथ की कंस्ट्रक्शन चैप्टर एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ सॉल्व करेंगे। इसके पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सॉल्व करा दिया था। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या दिया हुआ है कि ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले देखते हैं क्वेश्चन में ये सॉल्व करना क्या है कि एक सर्कल बनाना है, इसका रेडियस क्या होना चाहिए 5 सेंटीमीटर और इससे टेंजेंट बनाना है आपको जो कि कितना का एंगल बनाए 60 डिग्री पे इंक्लाइंड हो। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि एक सर्कल आपको बनाना पड़ेगा जिसका रेडियस क्या ले लेंगे 5 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल बना लेते हैं इस सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और इसका सेंटर दे देते हैं यहाँ पे O दे देते हैं। उसके बाद से क्या कर रहे हैं कि एक डायमीटर ड्रॉ कर लेंगे AOB। एक डायमीटर ड्रॉ कर लिया, कोई सा भी डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी इधर भी कहीं भी एक डायमीटर ड्रॉ कर लेना है AOB। उसके बाद से आपको क्या करना है कि 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो देखिए 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, 90 कैसे बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद से क्या करते हैं कंपास का पॉइंट यहाँ पर रखेंगे और एक आर्क इस तरह से कट कर देंगे। उसके बाद से क्या करते हैं यहाँ पर सेम आर्क से यहाँ पर कट कर दिए, तो ये जो एंगल बन गया ये क्या हो गया 60 डिग्री। सेम आर्क से यहाँ पे कट किए तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 120। और इस पॉइंट पे कंपास को रख के यहाँ पे कट किए, इस पॉइंट को कट करके यहाँ पे कट कर दिए और इनको ज्वाइन कर दिए तो ये क्या बन जाता है 90 डिग्री। तो इसमें भी यही करेंगे कि सबसे पहले इस पॉइंट पे कंपास रखेंगे, कहाँ पे पॉइंट ओ पे कंपास का रखना है और पेंसिल को इधर की ओर रोटेट करेंगे इस साइड की ओर, मतलब यहाँ से रोटेट कर दिए इधर की ओर, सेम आर्क से यहाँ पे कट कर देना है, यहाँ पे कट किया सेम आर्क से तो ये क्या बन गया 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं डी, तो बी ओ डी क्या बन गया 60 डिग्री। अब उसके बाद क्या करना है कि इस ए पॉइंट पे हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ए पॉइंट पे 90 के लिए क्या करेंगे यहाँ पे रखना है कंपास का पॉइंट और पेंसिल को इधर की ओर रोटेट करेंगे इधर की ओर, तो यहाँ पे रख के इधर की ओर रोटेट कर दिए, फिर सेम आर्क से एक कट इस पर किए तो ये क्या बन गया 60। उसको फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर एक और कट करेंगे तो ये क्या बन गया यहाँ पे 120। फिर क्या करना है इस पॉइंट पर रखना है कंपास और यहाँ पे कट करेंगे इस पॉइंट पे, यहाँ पे फिर इस पॉइंट पे रख के इसको कट किए तो यहाँ पे जो बनेगा एंगल ये क्या बन गया 90 डिग्री का। इसको सपोज क्यू दे देते हैं। उसके बाद से वैसे ही आपको डी पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो डी पे 90 कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट रखेंगे कंपास का डी पे और इधर की ओर आर्क इस तरह से कट करना है इधर की ओर, यहाँ पर रख के और इधर की ओर रोटेट करेंगे पेंसिल को। उसके बाद से सेम आर्क से यहाँ पे कंपास का पॉइंट रख के एक कट इस पे किए यहाँ पे, फिर इस पॉइंट पर रख के एक कट इस पे किए, फिर क्या करना है ये तो 120 हो गया, फिर इनको बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कट करेंगे इस पॉइंट से यहाँ पे कट करेंगे, मतलब इस पॉइंट से रख के एक कट यहाँ, सेम इस पॉइंट में कंपास पर रख के एक कट इस पे और फिर इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, इसको इधर ज्वाइन कर दिए, इसको दे देते हैं P और इस पॉइंट को दे देते हैं जहाँ पे दोनों मीट कर रहा है ये R दे देते हैं और ये जो एंगल बन रहा है तो अब ये जो मेरा हो गया मतलब बन गया ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये 60 कैसे होगा, तो ये देखिए ये वाला क्या है यहाँ पे 60 है और ये स्ट्रेट लाइन है AOB क्या है स्ट्रेट लाइन, तो ये एक एंगल क्या है 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 120 क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे दोनों है का सम क्या होता है लीनियर पेयर से 180। ऐसे भी लिख सकते हैं AOD प्लस एंगल BOD इक्वल टू क्या होगा 180,
तो ए ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस, और बी ओ डी 60 ड्रॉ कर चुके हैं 180, तो एंगल ए ओ डी क्या हो गया 120 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल बन गया क्या 120, और अभी यहाँ पे क्या कितना बनाया 90 डिग्री का एंगल ए पे, वैसे यहाँ पे कितना बनाया है डी पे 90 डिग्री। अब मेरा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, कौन सा, ए ओ डी आर। अब क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम क्या होता है 360, तो एंगल ए प्लस एंगल दिस, यहाँ पे ओ है, एंगल ए प्लस ओ प्लस डी प्लस यहाँ पे आर, इनका सम क्या होगा 360। तो ये 60 ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि 90 और 90 कितना होगा 180, और ये क्या है 120, तो कितना हो गया, दोनों को प्लस किए तो 300, और 360 से माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, और ये मेरा रिक्वायर्ड टेंजेंट हो गया, मतलब आर ए और क्या बोलेंगे आर डी आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 60 डिग्री। इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, तो इसमें सबसे पहले जो वर्क कर रहे हैं वही लिखना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले क्या किए, ड्रॉ ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस कितने का लिए थे 5 सेंटीमीटर। फिर क्या किए थे कि एक डायमीटर ड्रॉ किए थे, ड्रॉ एनी डायमीटर ए ओ बी ऑफ दिस सर्कल, एक डायमीटर ड्रॉ किए थे ए ओ बी। उसके बाद क्या किए थे हम, ओ पे बी ओ डी कितना बनाए थे 60 डिग्री, वहाँ पे बी ओ डी क्या बना लिए थे 60 डिग्री, इसलिए बनाए थे क्योंकि बगल वाला एंगल क्या हो जाएगा 120, सच दैट द रेडियस ओ डी और रेडियस ओ डी मीन्स द सर्कल एट डी। उसके बाद क्या किए थे कि ड्रॉ ए क्यू और दोनों पॉइंट पे क्या किए थे 90-90 का एंगल बनाए थे, कौन सा, ए क्यू परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड पी डी परपेंडिकुलर टू ओ डी, और ये दोनों लाइन का इंटरसेक्ट किया था कहाँ पे, एक पॉइंट पी पे, और वो एक क्वाड्रिलेटरल बन गया था तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस, और वहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन गया था दोनों जहाँ मीट किए थे। तो आर ए एंड आर डी आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब ये जो क्वेश्चन है ये दोनों सैम्पल पेपर में दिया हुआ है, जो बेसिक है और स्टैंडर्ड दोनों में सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया हुआ है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, मतलब हमें एक लाइन बनाना है ए बी और इसका लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर का ये लाइन है। उसके बाद क्या करना है, टेकिंग ए एज ए सेंटर ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, मतलब ए को सेंटर लेके रेडियस क्या लेंगे 4 सेंटीमीटर और एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से यहां तक क्या है ये 4 सेंटीमीटर और पूरा ए भी क्या है 8 सेंटीमीटर का। उसके बाद क्या करना है, टेकिंग बी एज ए सेंटर, फिर क्या लेंगे बी को सेंटर लेंगे, ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, मतलब बी को सेंटर लेके आपको एक और सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस क्या होना चाहिए 3 सेंटीमीटर का। तो दूसरा एक सर्कल ड्रॉ कर लिए, इसका रेडियस क्या लिए 3 सेंटीमीटर। उसके बाद से ये करना है कि इन दोनों के सेंटर से दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, मतलब इसके सेंटर से इस सर्कल पे टेंजेंट करना है और बी के सेंटर से इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इस पॉइंट से मोर देन हाफ का आर्क लेंगे, मतलब इससे आधे का ज़्यादा का आर्क लेके एक कट ऊपर करना है, सेम आर्क से नीचे की ओर कट करेंगे। तो यहाँ से कंपास यहाँ रखना है आपको और एक कट यहाँ पर करना है पेंसिल से, फिर दूसरा कट नीचे की ओर यहाँ पे आएगा। फिर क्या करना है, इस बी पॉइंट पे कंपास रख के एक कट नीचे की ओर और वहीं से यहाँ पे कट करेंगे। तो इसको यहाँ पे कट कर दिए, फिर आपको इसको ज्वाइन कर देना है ये लाइन को, सपोज ये मिल रहा है एम पे मान लेते हैं, ठीक। तो अब क्या करेंगे कि एम ए रेडियस कितना लेंगे एम से ए का, इतना यहाँ पे कंपास रख के इसको मेजर कर लेंगे जो भी एम ए, और सर्कल एक ड्रॉ कर देंगे इसको सेंटर पे रख के। तो सर्कल रेडियस ही लेना है एम ए या एम बी, दोनों क्या होगा इक्वल होगा, और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब कोई भी पॉइंट दे सकते हैं, इसका नाम आप कुछ भी दे दीजिए, सपोज पी दे देते हैं, ये दे देते हैं क्यू, और इसको दे देते हैं आर, और ये
एस। अब देखिए इसको यहां से ए से इस पी को ज्वाइन कर देना है और फिर इस ए से क्यू को ज्वाइन कर देना है, वैसे ही क्योंकि ये क्या बोला है सेंटर से ड्रॉ करना है टेंजेंट, फिर बी से एस को ज्वाइन कर देंगे और फिर बी से आर को ज्वाइन कर देना है। तो हो गया रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, मतलब क्या हो गया टेंजेंट, दो टेंजेंट बन गया सेंटर से, एक पी ए और ए क्यू और दूसरा क्या बन गया बी से आर क्यू और बी आर और बी एस। तो इस तरह से करेंगे और इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो सिंपल है, लिखना सबसे पहले क्या किए थे, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, फिर क्या किए थे एक सर्कल ड्रॉ किए थे, तो आपको लिखना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप टू में ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, फिर टेकिंग ए एज ए सेंटर, फिर क्या लिखना पड़ेगा टेकिंग बी एज ए सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर और उसके बाद से क्या करेंगे ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि टेकिंग एम ए एज द रेडियस ड्रॉ अ सर्कल, टेकिंग एम ए एज ए रेडियस और एम बी एज ए रेडियस ड्रॉ ए सर्कल इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट दिस दिस पॉइंट्स पी एंड क्यू और एस और आर एंड ज्वाइन पी ए एंड ए क्यू, उसी तरह से ज्वाइन बी एस एंड बी आर, हैंस दीज आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा।